जब बिजनेस के लोग कहीं से पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं या दे वांट टू बाय गुड्स ऑन द क्रेडिट बेस, तो जो भी हमें पैसे देने वाले हैं या जो हमें माल डेबिट पे देने वाले हैं, दे विल सी फर्स्ट आवर अकाउंट्स रिकॉर्ड कि ये बिजनेस कितने साल से चल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, लगातार बिजनेस की वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही है, हर चीज वो बारीक से उसको देखते हैं। If he is satisfied with your account, then only they will give the money or give the goods on the debit basis. So then also account is very helpful. Employee, जब business के लिए किसी employee को hire करना जानते हैं या apply करने के लिए कहते हैं, तो जो पढ़े हुए employees हैं, सबसे पहले वो account देखते हैं, ये company कितने साल से business कर रही है, उसका profit कैसा हो रहा है, कितने employees के salary कैसे दी जा रही है, सैलरी में कितना इंक्रीमेंट मिलता है, ये सब बारीक बारीक जो चीजें होती है, स्मॉल स्मॉल थिंग्स इज ऑब्जर्व्ड बाय द एम्प्लॉय विद द हेल्प ऑफ अकाउंट एंड फ्रॉम देयर ही गेट द आईडिया और ट्रस्ट टू अप्लाई और नॉट टू अप्लाई। तो उनके लिए भी एक अकाउंट लिखना जरूरी होता है। 6 टैक्स अथॉरिटीज, द गवर्नमेंट हैज द राइट टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम अस। तो कितना टैक्स फ्रॉम से लेंगे, ऐसे तो टैक्स ले नहीं सकते हैं। तो एक साल के बाद हमारा जितना प्रॉफिट होता है, इट इज सॉल्व बाय अकाउंटेंट, उससे उसे मालूम पड़ेगा कि इस बिजनेस से कितना टैक्स मिलने वाला है। और सेकंड थिंग, दोस्तों बिजनेस में आल्सो गेट द आईडिया कि भाई इस साल हमने इतना ट्रांजैक्शंस किया है, यानी इतना टर्नओवर किया है, तो इसमें हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट पे हमें इतने परसेंट के हिसाब से इतना टैक्स पे करना होगा। सो गेट द आईडिया द टैक्स अथॉरिटीज यू हैव टू पे एंड यू हैव टू कलेक्ट। सो देम आल्सो अकाउंटेंट हेल्प। कस्टमर्स, दोस्त हमारे बायर ऑफ द गुड्स, उसे हम कस्टमर्स कहते हैं, जो हमारे ग्राहक होते हैं, दुकान वगैरह कहलाते हैं। तो जो भी कस्टमर्स होंगे, दे विल सी आवर रेपुटेशंस, आवर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, आवर प्रोडक्ट क्वालिटी, हाउ मच वी प्रोडक्शंस वी आर गोइंग टू डू ईयर बाय ईयर, ये हर चीज का डेटा कस्टमर्स अकाउंट से सर्च करते हैं। ये कंपनी कहां थी और कहां तक पहुंच गई, ये पूरा उसकी जो साइकिल होती है, पूरी लैडर ऑब्जर्व करते हैं। उससे उसको ट्रस्ट बैठता है कि ये कंपनी की प्रोडक्ट अच्छी है या सर्विस अच्छी है, हमें बाय करनी चाहिए, इसमें कहीं हम गलत नहीं होंगे। तो उस ट्रस्ट लाने के लिए भी कस्टमर हमारा अकाउंट सर्च करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको उसका बेनिफिट लेता है। फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स पॉइंट 8, दोस्तों फॉरेन कंपनी दे वांट टू इन्वेस्ट मनी इन इंडिया, तो दे विल आल्सो सर्च आवर अकाउंट कि भाई इनके साथ पार्टनरशिप मिल जाए, इनके साथ बिजनेस किया जाए, कि इसका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसकी गुडविल कैसी है, इसके साथ जॉइंट होने से हमारी बेस्टिंग बढ़ेगी, हमारा सेल बढ़ेगा, ऐसी हर चीज की इंफॉर्मेशन जो उसको चाहिए फॉर स्टार्टिंग एनी बिजनेस और करंट एनी बिजनेस इन इंडियन मार्केट, दे नीड द हेल्प ऑफ अकाउंट। So for foreign entrepreneurs also we have need to prepare account. Point 9, regulated bodies. Many institutes are run by the government. उसके norms के हिसाब से हर चीज चल रही है नहीं चल रही, हर policies, हर production, sales, price, all the things which are decided by government, they will see for account only. उससे उसको मालूम होगा कि they are going properly or not. For them also we need to prepare account also. Number 9, professional bodies, those who are the pioneer persons of the company, यानी कि हम उसे कैसे चार्टर अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, जो वो लोग प्रोफेशनल्स इंसान कहलाते हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा अकाउंट, क्योंकि अकाउंट से ही उस बिजनेस को मालूम पड़ेगा कि वेयर वी आर स्टैंडिंग इन द मार्केट, क्योंकि जो बिजनेस है तो ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा कितना प्रॉफिट, उसको एक बुक में लिखा जाता है, तब एक साल के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा हाउ मच प्रॉफिट यू अर्न फ्रॉम दिस बिजनेस इन वन ईयर। तो दोस्तों प्रोफेशनल बॉडीज अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 11 पॉइंट, रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट, दोस्तों रिसर्चर्स जो हमारे कंपनी के रिसर्चर्स होते हैं, वो हमारे अकाउंट देखते हैं कि इन रिसर्च करने के बाद, उसको अप्लाई करने के बाद कितना बेनिफिट हमें मिला है, कि दिस बेनिफिट कन्वर्ट इन द प्रॉफिट। अगर जितना रिसर्च अच्छा हुआ होगा, प्रोडक्ट अच्छी बनेगी, सर्विस अच्छी बनेगी, तो मार्केट में ऑब्वियसली सेल भी जाता ही होगा, जब सेल बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा।
तो रिसर्चर्स लोग जो होते हैं और एनालिस्ट लोग होते हैं वो भी उस कंपनी का अकाउंट देखते हैं कि उसके नॉलेज के स्किल से हम कितना प्रॉफिट बढ़ा पाए, वो भी डेटा उसको अकाउंट से ही मिलेगा। एंड लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट द किंग ऑफ द कंट्री। तो हर राजा को प्रजा को मेंटेन करने के लिए उसको मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसमें से टैक्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, उस टैक्स से गवर्नमेंट प्रजा का ख्याल रखती है। उसी प्रकार गवर्नमेंट को कई सारी पॉलिसीज बनानी पड़ती है, डिफरेंट पॉलिसीज हैज टू मेक फॉर द कंट्री। हर पॉलिसीज का कितना इंप्लीमेंट हुआ, कितना बेनिफिट हुआ, कई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही, किस हिसाब से नहीं हो रही, इन पॉलिसी को बनाने से हमें कितना बेनिफिट मिला इनकम टैक्स में या और कोई टैक्स के फॉर्म में। दिस ऑल द थिंग्स ऑफ डेटा गवर्नमेंट गेट बाय ओनली अकाउंट ओनली। दैट इज व्हाई गवर्नमेंट ऑलवेज इंसिस्ट यू प्रिपेयर अकाउंट ऑनेस्टली एंड ट्रूथफुली सो वी कैन जज वेयर वी आर स्टैंडिंग। गवर्नमेंट को फ्यूचर के लिए कौन से निर्णय लेने हैं वो भी वो आराम से ले सकती है इफ द बेस ऑफ। So here we complete the topic of user of